कि जो वैश्विक महामारी आई, मानव जाति पर जो संकट आया, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही, लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। साथियों, मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है, क्या ये सोचना सही है? जी नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौतियां आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है सृजन शाश्वत है, सृजन निरंतर है। मुझे गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए। कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए। भारत में भी जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक सृजन भी हुए। नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिद्धांत गढ़े गए, यानी संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सृजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती रही। देश आगे बढ़ता ही रहा। भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है। आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे,
130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है। मेरे प्यारे देशवासियों, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है। प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे, इतना ही नहीं, लोकल के लिए वोकल भी होगी। ऐसे संदेश मुझे देश के हर कोने से आ रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मदुरई से मोहन रामामूर्ति जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं। साथियों, आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहां अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे, वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था,
हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है। देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है। आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है। और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा, दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। हमारे यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में, और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए, और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के समय में दो बातों पर बहुत फोकस करना है, कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना। साथियों, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं, या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं, खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को। इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, और ये निवेदन मैं बार बार करता हूं, और मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी। साथियों, अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी, बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कृषि क्षेत्र को देखें,
तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी, इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर महीने हम ऐसी खबरें पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं। यह हमें इस बात का स्मरण कराती है कि कैसे हर भारतीय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है, वह जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है। अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली। यहां सियांग जिले के मिरेम गांव ने वो अनोखा कार्य कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। इस गांव के कई लोग बाहर रहकर नौकरी करते हैं। गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में गांव वालों ने पहले से ही गांव के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया। उन्होंने आपस में मिलकर गांव से कुछ ही दूरी पर 14 अस्थाई झोपड़ियां बना दी और ये तय किया कि जब गांव वाले लौटकर आएंगे तो उन्हें इन्हीं झोपड़ियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन झोपड़ियों में शौचालय, बिजली, पानी समेत दैनिक जरूरत की हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जाहिर है, मिरेम गांव के लोगों के इस सामूहिक प्रयास और जागरूकता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वभावम न जहाति एव साधुः आपद्गतो भी सन् कर्पूरः पावक स्पृष्टः सौरभम लभते तराम। अर्थात, जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गुण, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। आज हमारे देश की जो श्रम शक्ति है, जो श्रमिक साथी हैं, वो भी इसका जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए, इन दिनों हमारे प्रवासी श्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानियां आ रही हैं जो पूरे देश को प्रेरणा दे रही है। यूपी के बाराबंकी में गांव लौटकर आए मजदूरों ने कल्याणी नदी का प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर दिया। नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान, आसपास के लोग भी उत्साहित हैं। गांव में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए, आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की स्थितियों को बदला है, वो अद्भुत है। लेकिन साथियों, ऐसे कितने ही किस्से कहानियां देश के लाखों गांवों के हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा हमारे देश का स्वभाव है, मुझे विश्वास है साथियों कि आपके गांव में भी, आपके आसपास भी ऐसी अनेक घटनाएं घटी होगी। अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो आप ऐसी प्रेरक घटना को मुझे जरूर लिखिए। संकट के इस समय में ये सकारात्मक घटनाएं, ये कहानियां औरों को भी प्रेरणा देगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और
इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिसे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दियर प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता तो शायद जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन कैसा है, हमें शायद ये याद ही नहीं आता। कई लोग इसी वजह से मानसिक तनाव में जीते रहे हैं। तो दूसरी ओर लोगों ने मुझे ये भी शेयर किया है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान खुशियों के छोटे छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में रीडिस्कवर किए हैं। कई लोगों ने मुझे पारंपरिक इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लेने के अनुभव भेजे हैं। साथियों, हमारे देश में पारंपरिक खेलों की बहुत समृद्ध विरासत रही है। जैसे आपने खेल का नाम सुना होगा, पचीसी। यह खेल तमिलनाडु में पल्लान नुंगली, कर्नाटक में अली गुली मणे और आंध्र प्रदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें एक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें कई खांचे होते हैं जिनमें मौजूद गोली या बीज को खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। कहा जाता है कि यह गेम दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व एशिया और फिर दुनिया में फैला है। साथियों, आज हर बच्चा सांप सीढ़ी के खेल के बारे में जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतीय पारंपरिक गेम का ही रूप है जिसे मोक्षपाटम या परम पदम कहा जाता है। हमारे यहां का एक और पारंपरिक गेम रहा है गुट्टा। बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी। बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्थर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए तैयार। एक पत्थर हवा में उछालिए और जब तक वो पत्थर हवा में हो आपको जमीन पर रखे बाकी पत्थर उठाने होते हैं। आमतौर पर हमारे यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती है। कोई एक चौक या पत्थर ले आता है, उसे जमीन पर ही कुछ लकीरें खींच देता है और फिर खेल शुरू हो जाता है। जिन खेलों में डाइस की जरूरत पड़ती है, कोड़ियों से या इमली के बीज से भी काम चल जाता है। साथियों, मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूं, कितने ही लोग अपने बचपन में लौट गए होंगे, कितनों को ही अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों हैं, उन खेलों को आप भूले क्यों हैं। मेरा घर के नाना नानी, दादा दादी, घर के बुजुर्गों से आग्रह है कि नई पीढ़ी में ये खेल आप अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है तो बैलेंस बनाने के लिए, ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहां एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। और मेरे बाल सखा मित्रों, हर घर के बच्चों से, मेरे नन्हे साथियों से भी आज मैं एक विशेष आग्रह करता हूं। बच्चे, आप मेरा आग्रह मानेंगे ना? देखिए, मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूं आप जरूर करिए। एक काम करिए, जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछकर मोबाइल उठाइए और अपने दादा दादी, नाना नानी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए, अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करिए। जैसे आपने टीवी पर देखा होगा ना कैसे पत्रकार इंटरव्यू करते हैं, बस वैसा ही इंटरव्यू आप कीजिए। और आप उनसे सवाल क्या करेंगे, मैं आपको सुझाव देता हूं, आप उनसे जरूर पूछिए
कि वो बचपन में उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन से खेल खेलते थे, कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान में जाते थे, त्योहार कैसे मनाते थे, बहुत सी बातें आप उनको पूछ सकते हैं। उनको भी 40, 50 साल, 60 साल पुरानी अपनी जिंदगी में जाना बहुत आनंद देगा। और आपके लिए 40, 50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था, वहां परिसर कैसा था, लोगों के तौर तरीके क्या थे, सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमूल्य खजाना, एक अच्छा वीडियो एल्बम भी बन जाएगा। साथियों, ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होती है। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करेंगे तो उनके समय की बातों को, उनके बचपन, उनके युवा काल की बातों को और आसानी से समझ पाएंगे। ये बेहतरीन मौका है कि बुजुर्ग भी अपने बचपन के बारे में, उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं। साथियों, देश के एक बड़े हिस्से में अब मॉनसून पहुंच चुका है। इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी बहुत उत्साहित है, बहुत उम्मीद जता रहा है। बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होगी, वातावरण भी हरा भरा होगा। बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुविनेट कर लेती है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। हमारे कई देशवासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कर्नाटक के मंडावली में एक 80-85 साल के बुजुर्ग है, कामेगौड़ा जी। कामेगौड़ा जी एक साधारण किसान है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत असाधारण है। उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। 80-85 साल के कामेगौड़ा जी अपने जानवरों को चराते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बीड़ा उठाया हुआ है। वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, इसलिए जल संरक्षण के काम में छोटे छोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं। आप हैरान होंगे कि 80-85 वर्ष के कामेगौड़ा जी अब तक 16 तालाब खोद चुके हैं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए वो बहुत बड़े ना हो, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है। आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है। साथियों, गुजरात के वडोदरा का भी एक उदाहरण बहुत प्रेरक है। यहां जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक दिलचस्प मुहिम चलाई। इस मुहिम की वजह से आज वडोदरा में 1000 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है। एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल औसतन करीब 10 करोड़ लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाया जा रहा है। साथियों, इस बरसात में प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए। जैसे कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू होने जा रही होगी, क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे? क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते हैं जो नदी तालाबों में विसर्जित किए जाने के बाद जल के लिए, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए संकट बन जाती है? मुझे विश्वास है आप ऐसा जरूर करेंगे। और इन सब बातों के बीच हमें यह भी ध्यान रखना है कि मॉनसून के सीजन में
कई बीमारियां भी आती हैं। कोरोना काल में हमें इनसे भी बचकर रहना है। आयुर्वेदिक औषधियां, काढ़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्तेमाल करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने एक नाजुक दौर में देश का नेतृत्व किया। हमारी ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत का दिन है। जब हम पीवी नरसिंह राव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनेता के रूप में उनकी छवि हमारे सामने उभरती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वह अनेक भाषाओं को जानते थे, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं बोल लेते थे। वे एक और भारतीय मूल्यों में रचे बसे थे तो दूसरी ओर उन्हें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का भी ज्ञान था। वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनीय है, हमें जानना भी चाहिए। साथियों, नरसिम्हा राव जी अपनी किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, तब उनके खिलाफ आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। छोटी उम्र से ही श्रीमान नरसिम्हा राव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आगे थे। अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। नरसिम्हा राव जी इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उनका आगे बढ़ना, शिक्षा पर उनका जोर, सीखने की उनकी प्रवृत्ति और इन सब के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, सब कुछ स्मरणीय है। मेरा आग्रह है कि नरसिम्हा राव जी के जन्म शताब्दी वर्ष में आप सभी लोग उनके जीवन और विचारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में कई विषयों पर बात हुई। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विषयों पर बात होगी। आप अपने संदेश, अपने इनोवेटिव आइडियाज मुझे जरूर भेजते रहिए। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे। जैसा कि मैंने आज शुरू में कहा, हम इसी साल यानी 2020 में ही बेहतर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दशक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष साबित होगा। इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।